मेरा ख्याल आता। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है। आज है रविवार का प्यारा सा दिन, 3 तारीख का दिन, बाबा को याद करने का दिन, क्योंकि जब हम संडे को होते हैं फ्री तो माइंड को रख सकते हैं बहुत ज़्यादा बिजी बाप की याद में। कभी भी उसे भटकाना नहीं है, फ्री है तो अपनी श्रीमत को नहीं छोड़ना है और बाप की याद को बनाए रखना है कैसे भी। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ आपको इन एडवांस, क्योंकि आप हैं बाप दादा की प्यारी सी मीठी सी आत्माएं जो बाप दादा की आश को पूरा करने में लगी हुई हैं। तो ऐसी महान आत्माओं का दिल से धन्यवाद भी है और उन्हें दुआएं और मुबारकबाद भी है। तो चले हम सभी मिल चुके हैं, मिलके समय हो चला है सफ़र को आगे बढ़ाने का और बड़े ही प्यार से परमात्मा की याद में रहते हुए इस मीठी मुरली को रिवाइज करने का। तो चले करते हैं प्यारी सी कल की साकार मुरली को रिवाइज, जिसमें बाबा ने कहा था माता पिता के सिलसिले में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। साथ ही साथ बाबा कहते ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है, सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, यह भी ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है इसलिए माता जगत अम्मा को कह दिया है। यह बड़ी रहस्य गुप्त बात है जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो यहाँ है, यह तो अव्यक्त जब होते हैं संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तब वहाँ पर अव्यक्त रूप यानी सूक्ष्म वतन में अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहाँ मूवी भाषा चलती, देवताओं की महफिल लगती है, यह भी समझने की पड़ी कोई ये बातें कि बजा था माता ओ माता। साथ ही साथ बाबा कहते हैं निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखो, प्रीतम को कभी भी भूलो नहीं, विकर्म जीत राजाई में जाने के लिए मोह जीत बनो, सुकर्म करो कोई भी विकर्म नहीं करो, और अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न बनो, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृद्धि इमर्ज हो जाएगी। तो देखिए कितने प्यार से सरल भाषा में बाबा हमें ज्ञान देते हैं, बस बारी हमें उसको अप्लाई करके अपने जीवन को और औरों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, पुरुषार्थ करने की। तो चलिए अब चलते हैं उस तरफ जहाँ मिलेंगे कंप्यूटर जी में आपको 5 सवाल, और उन 5 सवालों का देने पर ही सही जवाब आप यहाँ से लेकर जा पाएंगे टास्क। तो चलते हैं प्यारे से सफ़र पर और उस सफ़र में ज्ञान रत्नों से भी करेंगे स्वयं को भरपूर और परम आनंद का अनुभव करते रहेंगे। तो चले करते हैं शुरुआत रखते हैं। पहला प्रश्न, जो जितना स्मृति में रहते उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते, जहाँ स्मृति वहाँ क्या है ही है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए समर्थि, ऑप्शन बी बाप की याद, ऑप्शन सी पवित्रता, ऑप्शन डी ज्ञान। और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हो चला है, सही जवाब है ऑप्शन ए समर्थि। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई और बधाई। पहले सवाल का दिया है सही जवाब, 10 पॉइंट से भरपूर हो गए आप, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई बधाई और बधाई, दिल की दुआएं मुबारक है आप सभी को, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए बहुत सारी बधाइयाँ पहले सवाल में ले ली है, बढ़ते आगे रखते दूसरा सवाल। बाप दादा सदैव कहते सदा बच्चों के मुख में क्या हो, जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी ज्ञान रतन, ऑप्शन सी मिठास, ऑप्शन डी गुलाब जामुन। और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब है ऑप्शन डी गुलाब जामुन। तो फिर एक बार बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारक है आप सभी को कि आपने कर दिखाया है कमाल और जीत लिए है 10 पॉइंट्स फिर एक बार। तो बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ ले ली, 2 पड़ाव पूरे कर लिए, 20 पॉइंट से भी संपन्न हो गए, ज्ञान रतन से ले संपन्न होते हैं।
पापा कहते कि सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी नहीं होगा, संकल्प में भी नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। तो पापा पूछते हैं कि क्या सभी समझते थे? हम तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और हम श्रेष्ठ आत्मा बन सकते हैं, तो कितने भाग्यवान हैं। तो बाप दादा का दिल से धन्यवाद। अब बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल, जिसके सिर पर डैश का हाथ है। वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए शिव का, ऑप्शन बी बाप दादा का, ऑप्शन सी बाप का, ऑप्शन डी टीचर का, और आपका अक्षर होता है। बता रहे आपको किसका हाथ वरदानी हाथ सिर पर रहता है, तो हम सदा सुरक्षित और सेफ रह सकते हैं माया के वार से। वक्त पे फिर एक बार इशारा दिया, समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी बाप। तो मुबारक मुबारक और मुबारक, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं और आनंद फिर एक बार आपको मिल चुका है, क्योंकि जितना हम श्रेष्ठ कर्म करते उतना हमारा दिल भी खुश रहता है, मन भी खुश रहता है, परमात्मा की याद से भरपूर रहता है। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तीन पड़ाव पूरे किए, तीन सवाल पूरे किए, 30 पॉइंट से भरपूर और बढ़ने के लिए तैयार है आगे। चलिए चलते हैं आगे, रखते हैं चौथा सवाल। लेकिन यह बिजी रहना अर्थात क्या बन जाना? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए जगत जीत, ऑप्शन बी माया जीत, ऑप्शन सी पवित्र, ऑप्शन डी विकर्मा जीत, और आपका अक्षर होता है। सही जवाब ऑप्शन बी माया जीत। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपने तो सोशल मीडिया का भी सदुपयोग कर लिया, मन बुद्धि को कर लिया है व्यस्त परमात्मा की याद में, इसलिए बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, इसलिए आप माया जीत तो है ही, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जी बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारक है आप सभी को फिर एक बार। तो बहुत बहुत बधाई बधाई और बधाई। तो चलिए, बहुत सारी बधाइयाँ आपने ले ली हैं, परमात्मा से दुआएं ले ली हैं, और परमात्मा प्रेम का संपूर्ण अनुभव कर रहे हैं, और अगर 40 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन भी आपने ले लिया है, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, और बेहद मुबारक हो। तो चलिए अब चलते हैं ज्ञान रत्नों की ओर। बाबा कहते ये स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय इसी स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा भी इन बंधनों से मुक्त हो गई, इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए हो या होना है, इस बार मधुबन में दो शब्द छोड़कर जाना समथिंग और सम टाइम यह पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे क्योंकि हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, यह तो जानते हो ना। तो देखिए बाबा हमें कह रहे हैं कि स्वीट साइलेंस का अनुभव करो, जितना हमारे संकल्पों की गति कम उतना हम अपने मन बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब चाहे जहाँ चाहे स्वीट साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा से मिलन मना सकते हैं। तब चलते आगे, रखते हैं अंतिम सवाल। डैश का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियाँ मर जाती है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए योग का, ऑप्शन बी पढ़ाई का, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी सर्विस, और आपका अक्षर होता है। फिर एक बार समय का इशारा, वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन सी सेवा। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से 40 और 50 पॉइंट्स को कर लिया है अपने नाम, और बड़े ही प्यार से बन गए हैं ताजधारी, बाप दादा के दिल तक का भी ताज हासिल कर लिया, और इस
शो में भी आप जीत चुके हैं, तो इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए अनुभव करिए, बाप दादा का वरदानी हाथ सिर पर है और परमात्मा की दुआएं आप सभी को मिल रही हैं। और बड़े ही प्यार से बाप आप सभी को ताज पहना रहे हैं, दिल की दुआएं और वरदान और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो कि परमात्मा ने फिर एक बार आप पे आपको याद दिलाया है कि आप साधारण नहीं विशेष आत्माएं हो और परमात्मा के दिल की आश को पूरी करने वाली महान आत्माएं हो। तो चलिए आप इसी श्रेष्ठ स्मृतियों में रहिएगा तो समर्थ आत्मा जरूर बन जाएंगे। तब चलते हैं, हम लेते हैं विदाई इसी वायदे के साथ। कल फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तब तक के लिए रखिएगा ख्याल। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।